तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। और फ्रेंड अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जाऊँगी कॉलेज। आज बहुत दिनों बाद ये ड्रेस पहने हूँ, ये काफ़ी छोटा सिल दिया है, देख रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो फ्रेंड इसको देखिए, इसको ये घर सही कर रहा है और मैं जा रही हूँ कॉलेज। आगे का पूरा कपड़ा उजड़ गया, वही कुछ सही कर रहा है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अब मैं जा रही हूँ। फ्रेंड फाइनली हम अपने गाछी में से निकल चुके हैं। उस गाछी के अंदर मेरा घर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए उसके अंदर में तीन चार घर है, उधर से ही अभी निकली हूँ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे रुक करके थोड़ा फ़ोटो शूट किए। और फ्रेंड और दिन जाते आते थे तो बहुत आदमी रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे फ़ोटो शूट नहीं कर पाते थे। और आज कोई नहीं है, देख रहे हैं, तो आज इसलिए शूट किए। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, मैं आप लोग को पूरा रास्ता दिखाती हूँ। फ्रेंड पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज। तो फाइनली फ्रेंड हमारा क्लास हो चुका है और हमारी एक नई नई फ्रेंड बनी है। तो अभी हमारा छुट्टी हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोग फ्रेंड अभी हो रहा है सुबह का टाइम और फ्रेंड मैं रेडी अभी हुई नहीं हूँ। मैं ये कपड़ा नया ली हूँ, कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अभी रेडी नहीं हूँ जिसकी वजह से सही नहीं लग रहा है। और आप लोग को पता ही है, नया नया कपड़ा ना बॉडी पे सूट करने में टाइम लगता है। तो ये रहा मेरा नया कपड़ा। और आज मैं जाऊँगी कॉलेज, तो आज पता है ये कुछ ज़्यादा ही ढीला था, जिसकी वजह से मम्मी से कह करके इसको फिटिंग करवाई। उसके बाद पहन के देखी तो पहन ही रह गई, सोची पहन के जाना ही है तो फिर क्या चेंज करना था, इसलिए मैं पहन ही रह गई। और मैं इधर आ गई हूँ पठान की तरफ। इधर हमारी तीनों गायें बैठी हुई है, एक बच्ची तीन गाय। और फ्रेंड आप लोगों से ना क्या बात करनी है, जो बात करनी है वो आप लोग मुझे ही गलत ठहरा देते हैं ना, अच्छा करते हैं मेरा मजाक बना बना के, मेरी ज़िंदगी का तहस नहस करके। मतलब एक बात बोल दूँ, बुरा लगता है लेकिन मैं जैसी हूँ ना वैसे मैं बदलने वाली हूँ नहीं। ये लोग चाहते हैं कि मेरे मुंह से ना गलत गलत चीज़ वर्ड निकले ना, यही चाहते हैं ना, मेरा इमेज ख़राब करना चाहते हैं ना आप लोग। तो बताती हूँ, बने रहिए वीडियो में। फ्रेंड मैं इधर आ रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो उधर मेरे दादाजी बैठे हैं चारपाई पे, वो देख रहे हैं कि इधर क्या करने जा रही है। तो कुछ ऐसी ऐसी बात बोलनी है जिसकी वजह से मुझे अलग आना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए मैं कल वीडियो डाली थी कि मेरे से क्या प्रॉब्लम है। मैं कुछ मतलब उस पर आप लोग देखे ही होंगे वीडियो, तो उस पर कमेंट आया है कि अरे ये लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, ये भाग करके शादी करी है, सोच रही है वीडियो बना करके कुछ पैसा कमा लो। सही है, ठीक है। तो इसके बाद मेरी बात सुनिए, मैं हूँ तो मिडिल क्लास घर से, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो मेरा सारा पढ़ाई का खर्चा उठाओ, ठीक है, मुझे एक जॉब दिला दो तो मैं ये वीडियो बनाना छोड़ूंगी क्या है, बेशरम इंसान कहीं के। मैं तो अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ी हूँ, वीडियो बनाना ना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। तुम अनपढ़ गवार क्या जानोगे, अगर पढ़े लिखे होते ना, पढ़े लिखों का भी ना यहाँ पे ना दिमाग नहीं लग पाता है वीडियो में, ठीक है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो तो एक ब्लॉगर ही जानता होगा, ठीक है। कुछ घटिया लोग की वजह से ना हम लोग को ना गलत मत बोलो, ठीक है। अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाती ना तो मेरा मैं ना खुशी खुशी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो मैं जॉब कर नहीं सकती, बच्चे हैं घर में, मेरी बच्ची छोटी है, मैं उसको छोड़ छोड़ करके मतलब कितना पढ़ाई करूँ, कितना मेहनत करूँ उसमें, और होता कुछ नहीं। अभी बिहार में बहुत सारे बेरोज़गार बैठे हैं पढ़ लिख करके, तो उसमें मैं भी शामिल हो जाती। और घर बैठे मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ इनकम अगर आ रहा है हमारा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है।
तुझे क्या लग रहा है, मैं अगर वीडियो नहीं बनाती तो मेरा खर्चा नहीं चलता है? तू क्या जानेगा, अला बेशरम। इतना मुझे गुस्सा चढ़ रहा है ना उस इंसान पे जो कमेंट किया है। अपनी माँ बहन को देखो ना जा कर के, क्या कर रही होगी गाँव में, रंगरलियाँ मना रही होगी गाँव में, ठीक है? मुझे सच में बहुत ही गुस्सा आ रहा है वैसे कमेंट देख करके कि छी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं भाग करके शादी करूँगी। तुम जैसे घटिया खानदान की नहीं हो, तुम्हारी बहन भाग गई होगी ना इसलिए दूसरे की बहन के बारे में ऐसे बोल रहे हो, ठीक है? हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं ना, क्या ही बताऊँ, और ऐसा ऐसा कमेंट करते हो मेरे बारे में। सच कह रही हूँ, लग रहा है उसकी बहन भाग गई होगी ना इसलिए दूसरे की बहन पे ना उल्टा उल्टा सीधा वर्ड यूज करके उसको ना टॉर्चर कर रहा है ताकि ये वीडियो बनाना छोड़ दे। लेकिन मैं ज़िंदगी में कोई कितना भी मुझे गाली दे, कुछ भी दे, बदुआ दे, लेकिन मेरा वीडियो कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि मेरे पीछे ना मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मतलब हस्बैंड पति देख ही हुए, मेरे हस्बैंड मतलब ससुराल के लोग जितने भी हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे मायके के लोग को प्रॉब्लम है। तो तुम कौन होते हो बोलने वाले बेशरम, ना? मुझे पता है ये सब बात बोल करके ना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा है। अभी कॉलेज आने के टाइम में ना मैं सोची कमेंट देखूँ कल वाली वीडियो की, देखी तो बाप मेरा तो दिमाग ही इधर उधर हो गया, गुस्सा से एकदम हाइपर हो चुकी हूँ अभी, ठीक है? तो अगली बार से कमेंट करोगे तो थोड़ा सोच समझ के करना, वरना ऐसा कमेंट का वो करूँगी ना कि कोई ज़िंदगी में कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? घर पे रह करके, बच्चे को संभाल करके, काम करते हुए वीडियो बनाती हूँ, हैं? तो इसमें कौन सी खराबी नजर है? जो घटिया घटिया वीडियो बनाता उसको जाओ ना बोलने के लिए उल्टा सीधा, मेरे पास क्यों आते हो? मैं बुलाती हूँ, खुद वीडियो देखने के लिए आते हो? मैं उसी एक इंसान से कह रही हूँ, उसका नाम राम कुछ करके है, आप लोग जाइएगा पिछले वीडियो में कमेंट देखिएगा, वो हर वीडियो पे ना गलत कमेंट करता है। तुम्हारी तो बहन भाग गई होगी पक्का, तुम ये वीडियो देख रहे होगे, तुम्हारी पक्का बहन भाग गई होगी, माँ का इधर उधर चक्कर चल रहा होगा, तभी तुम मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो, ठीक है? अगली बार से सोच समझ के बोलना, वरना नाम और फोटो लेकर के डालूंगी वीडियो, जब लोगों से गाली सुनोगे ना तब पता चलेगा, ठीक है? तो फ्रेंड ये वीडियो बस इतनी, उस इंसान को आप लोग इतना गलत गलत बोलिए प्लीज़, पिछले वीडियो पे जाकर के भी और इस वीडियो पे देखिएगा, अगर वो लोग कमेंट करेंगे तो प्लीज़ आप लोग कुछ ऐसा जवाब दीजिए जिससे कि उसका मुंह बंद हो जाए, ठीक है? तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोग को बोल दे रही हूँ, ये मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ये एक इंसान के लिए जो मुझे गलत बोला है, तो आप लोग ऐसे आगे देखिए, अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो सॉरी, ठीक है?